हाय फ्रेंड, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ जिंजर को कैसे इजीली अपने गार्डन में ग्रो कर सकते हैं। फ्रेंड, ये वही वाला जिंजर है जो सब्जी वाला अपनी ठेली पे बेचने आता है। तो जब आप उससे, अगर आपके पास ये सब सीड्स नहीं है जिंजर का, ये ऐसा जो स्प्राउटेड नहीं है, तो आप उस सब्जी वाले से जिंजर बाय कीजिए और ये देखिए कि कुछ थोड़ा थोड़ा स्प्राउट हो रहा होता है वो जिंजर। तो आप उसको ऐसे एक कैरी बैग में डाल के रख दीजिए कुछ दिन के लिए। आप इसको कैरी बैग में डाल के ऐसे रख दीजिए कुछ दिन के लिए, तो वो ऑटोमेटिकली ऐसे स्प्राउट हो जाएगा। ये देखिए, जब ये ऐसे आपको लगे कि उगने लग गया है, तो अब हम इसको सॉइल में लगा देंगे। और इसको लगाना बहुत ही इजी होता है और एकदम सॉफ्ट होनी चाहिए। और जितनी हमारी इसकी मिट्टी सॉफ्ट होगी, उतना ही ये अच्छे से ग्रो करेगा। एंड इसमें मैंने ये मेरा लास्ट ईयर का लीफ मोल्ड कंपोस्ट का ड्रम है, जिसके नीचे मैंने लीव्स ऐड की थी, उस सॉइल में मैं इसको लगा रही हूँ। आप इसमें लगाते समय कोई भी गोबर वगैरह की खाद ऐड कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, देखिए मैंने थोड़ा थोड़ा डिग करके मिट्टी को हल्का हल्का, ये देखिए सारे अपने जिंजर को ऐसे लगा दिया है। अब मैं इसके ऊपर थोड़ी सी सॉइल ऐड करूँगी। ऐड करने के बाद इसी तरह मैंने इसको सॉइल ऐड कर दिया उसके ऊपर, और इसमें हम थोड़ा सा पानी देंगे, दैट्स इट। ये उगने के लिए कम से कम आपके 20 से 25 दिन लगाएगा, अगर आपका स्प्राउटेड जिंजर है तो। और इसकी मिट्टी हमेशा आपकी जितनी अच्छी सॉफ्ट होगी, ये उतना ही अच्छे से ग्रो करेगा। और फ्रेंड्स, और इसमें कोई ख़ास केयर करने की ज़रूरत नहीं, बहुत ही आसानी से अपने घर में जिंजर को ग्रो कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।